एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर के आई हूँ जो कि हरियाणा के रोहतक जिले से निकली और वो पहुँच जाती है लंदन और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ की सरकार को गिराने का दावा करती है। इसके अलावा उसने ये भी बोला कि वो कभी भी एक आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता ही नहीं सकती। और ऐसा क्या हुआ था कि उसकी ही माँ ने को कुत्ते के बांधने वाली चेन से उसको खूब मारा। और इसके अलावा यूके की एक मैगजीन डेली मेल, उसकी जर्नलिस्ट ने उस लड़की के साथ 15 दिन बिताए और उसके बाद उस जर्नलिस्ट ने जो बयान दिया वो बहुत ही अजीबोगरीब था। उसने बताया कि जो ये लड़की है बहुत ही अजीब है, वो सिर्फ अपने आप को प्यार करती है, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखती है, वो बहुत ज़्यादा लालची है, इसके अलावा उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टरलेस है और वो कुछ भी कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। और यहाँ तक कि उसने ये भी बोला कि वो एक गंदी कॉल गर्ल है। और लिंडा ने यहाँ तक भी बोला कि जो वो लड़की है उसका अदनान खागोशी, जो कि एक आम डीलर है और सऊदी के बिजनेसमैन है, साथ में ही इंडियन गॉडमैन चंद्रस्वामी, वो लोग उससे जैसा बोलते हैं वो लड़की बिल्कुल वैसे ही करती है। वो उन दोनों के इशारों पे नाचती है और अगर वो इशारा करते हैं तो वो कहीं भी किसी के साथ भी अपना सेक्सुअल फेवर देने को तैयार हो जाती है। और उस लड़की का नाम पैमला चौधरी सिंह है, जिसका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में मेजर महेंद्र सिंह काडियान के यहाँ पे हुआ था। और उसकी जो स्कूलिंग थी महारानी गायत्री देवी जयपुर गर्ल्स में हुई थी और कॉलेज उसने लेडी श्री राम से किया था। पैमला को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, इस वजह से उसने फोटो जर्नलिज्म की पढ़ाई पर्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन न्यूयॉर्क से की। पैमला बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, इस वजह से उसने 1982 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो मिस इंडिया भी बन गई। और फिर पैमला यूरोप चली जाती है, वहाँ पे वो हेनरी बॉर्डर्स के साथ मिलती है जो कि एक आम डीलर थे और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल इंसान थे। और धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है और फिर पैमला और वो दोनों शादी कर लेते हैं। ये जो शादी थी बहुत थोड़े टाइम के बाद ही टूट गई। और शादी टूटने के बाद तो पैमला के ऊपर एक और भूत सवार हो गया। वो भूत था, उसको एक पावरफुल इंसान बनना था। ताकि उसके पास सब कुछ था, फेम, एजुकेशन और टैलेंट भी था और वो इसके ज़रिए एक पावरफुल इंसान बन सकती थी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता और वो उसमें मेहनत भी बहुत लगती। लेकिन उसको ये मंजूर नहीं था और उसने शॉर्टकट रास्ता निकाला और वो शॉर्टकट रास्ता था सेक्स का। धीरे धीरे जो पैमला की बातें थी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सब जगह छपने लग गई। और ये बात जब उसकी फैमिली तक पहुंचती है, फैमिली के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पैमला को समझाने की कोशिश भी करते हैं। पैमला की माँ उनको बहुत समझाती हैं, अच्छे बुरे के बारे में बताती है। वो देखती है कि पैमला को इस बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पास रखी हुई डॉग की चेन उठाती है और उससे पैमला को मारना शुरू करती है। और इसके साथ ही पैमला के एक फैमिली मेंबर ने उसके साथ नाता तोड़ लिया। टाइम के बाद पैमला यूके आ जाती है। यूके आने के बाद वो बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े लोगों के बीच उठती बैठती है और यहाँ तक कि वो नेताओं और मीडिया के हाई प्रोफाइल लोगों के साथ रिलेशन भी बना लेती है। और उसके चाहने वालों की लिस्ट में यूके के खेल मंत्री और साथ में ही मीडिया के प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। और पैमला को इसका बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है। इसी दोस्ती की वजह से पैमला को यूके पार्लियामेंट यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के वीवीआईपी वाला पास मिल जाता है और उस पास की वजह से कभी भी पार्लियामेंट में आ सकती थी और जा सकती थी। ये भी कहा जाता है पैमला पार्लियामेंट के एक मेंबर के साथ रिसर्च असिस्टेंट का भी काम कर रही। धीरे धीरे पैमला के बारे में यूके की हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में बहुत सी बातें आने लग गई। 1989 की और एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल में जो बातें की गई थी वो थी पैमला के बारे में। उस मैगजीन ने ये बोला था कि पैमला एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल है, वो एक रात का 10,000 पाउंड लेती है, जो उसका संबंध कर्नल गद्दाफी के साथ है और कजन ब्रदर कर्नल अहमद के साथ भी है। और ये भी बोला गया कि पैमला एक जासूस है, वो यूके पार्लियामेंट में बेझिझक आ जा सकती है क्योंकि उसके पास पास था और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बाहर लिंक कर देती है। साथ में ये भी कहा गया कि वो दोहरी जिंदगी जी रही है, एक तो वो यूके पार्लियामेंट के एक मेंबर की रिसर्च असिस्टेंट का काम कर रही है और साथ में ही कॉल गर्ल का भी। जब ये बात बुरी तरीके से सब जगह फैलने शुरू हो जाती है और जिन जिन लोगों का पैमेला के साथ रिलेशन था उन लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। फिर वो लोग जिन्होंने पैमेला को VIP पास दिया था वो लोग तो छुप जाते हैं। इस वजह से पूरा लंदन हिल जाता है, सब लोग घबरा जाते हैं और फिर बाद में पैमेला ने ये बोलना शुरू कर दिया कि वो इतने गहरे राज जानती है, अगर वो बताएगी तो यूके की सरकार तो गिर ही जाएगी। अब पैमेला की गंदी हरकतों, उसकी अश्लीलता की बातें जगह जगह फैल गई। बाद में पैमेला को थोड़ा सा अफसोस हुआ, उसको लगा कि उसको मुंह खोलना नहीं चाहिए था, उसने जो किया बहुत ज़्यादा ही कर दिया और अब उसको अपनी ज़िंदगी का खतरा हो गया। उसको लगता था कि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है और साथ में ही उसने जो वो शान शौकत की ज़िंदगी जी रही थी, पेंट हाउस में रहती थी जिसकी कीमत 7,50,000 पाउंड थी, उसने उसको छोड़ दिया और उसके बाद वो गायब हो गई। किसी को उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई। वो एक ऐसी मिस इंडिया थी जो कि हरियाणा से निकली और लंदन में पहुंची और पहुंचने के बाद उसने हाई प्रोफाइल लोगों को बुरी तरीके से डरा के हिला के रख दिया। धीरे धीरे टाइम बीत गया और बीतने के बाद उसका जब कुछ अता पता नहीं चला लोगों ने उसको ढूंढना छोड़ दिया है। पैमेला अभी जिंदा है, वो गोवा में रहती है, एक छोटे से फ्लैट में 2 बेडरूम फ्लैट किराए में रहती है। वो एक गुमनाम जिंदगी जी रही है, साथ में ही वो किसी से बात नहीं करती। यहाँ तक कि मीडिया वाले जब भी उससे कॉन्टेक्ट करते हैं उसका एक इंटरव्यू रखना चाहते हैं, लेकिन पैमेला मीडिया से बिल्कुल दूर रहना चाहती है। एक फोटोग्राफर बन चुकी है और साथ में ही वो हिमालय क्लब की भी सदस्य है। यहाँ तक कि रास्ते में अगर कोई उससे बात करना चाहता है तो वो उससे कभी बात नहीं करती हैं। ये भी कहा जाता है कि उनकी माँ ने अब उसको माफ कर दिया है। पैमेला एक हिपी की लाइफ जी रही है और अब मेरी कहानी यही खत्म होती है। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।